ये देखिए सब्जी तैयार हो चुकी है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बन के तैयार हुई है। तो इस सब्जी को आपको इसी तरह से बना के तैयार करना है, जो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपको। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको लौकी की बिल्कुल अलग तरीके की सब्जी बता रही हूँ। जिनको लौकी बिल्कुल भी पसंद नहीं होगी, आज के बाद लौकी ही उनकी पसंद बन जाएगी। तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ ये आप किस तरह से बना के तैयार कर सकते हैं। ना ही काटने की झंझट, ना ही कोई परेशानी। ये देखिए लौकी के मैंने 2 पीसेस कर लिए हैं और इसके बाद ही इसको पील ऑफ किया, इसको मैं ग्रीस कर रही हूँ। तो इसी तरह से ही आपको चारों तरफ इसको तेल लगा के तैयार करना है। अब इन दोनों टुकड़ों को मैं कुकर में रख दूंगी भूनने के लिए। तो कुकर में आपको पानी नहीं डालना है, इसी तरह से ही आप इनको रख दें और इसके बाद 1 मिनट तक हाई फ्लेम करें और फिर इसके बाद 3 से 4 मिनट तक स्लो फ्लेम करें। ये अपने आप ही पक के रेडी हो जाएगी। एक साइड कढ़ाई भी रख दी और बड़े पीसेस में कट किया हुआ आपको प्याज लेना है। तो प्याज मैंने 2 बड़े बड़े लिए हैं। इसी तरह से ही आपको ज़्यादा प्याज लेना है और इसी तरह से ही बड़े बड़े टुकड़े कट करना है। तो जैसे ही प्याज का कलर हल्का सा चेंज हुआ, मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 बड़ा ही चम्मच, ज़्यादा ही डालना है आपको, जिससे अच्छा टेस्ट आए। और इनको भी मैं भूनती रहूँगी। लहसुन अदरक के पेस्ट में आप थोड़ा सा पानी डालकर जब डालेंगे तो उसका जो फ्लेवर होता है वो काफ़ी अच्छा आता है, इसीलिए उसमें थोड़ा सा पानी डालें। इसके बाद ही जितना मैंने प्याज लिया था उतने ही 2 टमाटर लिए और इनको भी बहुत ज़्यादा छोटे नहीं, मीडियम साइज़ के कट किया। और ये देखिए मैंने सभी को डाल दिया है और जैसे ही टमाटर ने थोड़ा सा तेल छोड़ा, इसके बाद ही मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर और 1 चम्मच और ये 2 चम्मच इसमें धनिया का पाउडर ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद ही मैं लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। लाल मिर्च मेरे यहाँ ज़्यादा तीखी है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड करें। और इसको मैं बराबर से ही चलाती रहूँगी, जब तक ये मसाला भुन के रेडी हो जाएगा तब तक आपकी लौकी भी तैयार हो जाएगी। तो इसीलिए लौकी को आप सबसे पहले रख दें गैस पर, फिर इसके बाद ये प्रोसेस करें। और ये मसाला जैसे ही तैयार हुआ है, मैं थोड़ा सा इसमें ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ, ये सिर्फ कलर के लिए ही है। और अच्छे से अब इसको मिक्स कर दूंगी। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनके तैयार होती है। मैं इसमें थोड़ा सा हरा नमक ऐड कर रही हूँ, आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं। हरा नमक में मैंने बहुत सारा हरा धनिया, अदरक और इसमें मिर्च, जो हरी मिर्च है वो भी ऐड की है, और बहुत सारा नमक भी मैं ऐड करती हूँ। तो इस तरह से हरा नमक बना के रखना है। मैं इसका वीडियो आपको बाद में ही डाल दूंगी, अभी मैंने नहीं शेयर किया है। इसको मैं बना के रख लेती हूँ, जिससे कुछ भी बनाती हूँ ये हरा नमक ज़रूर इसमें ऐड कर देती हूँ। और इसके बाद ही ये लौकी भी तैयार हो चुकी है। लौकी भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है, इसको मैं डाल दूंगी दोनों टुकड़ों को। और आपने देखा होगा इसमें थोड़ा सा जल भी गया था, तो पहले जब हाई फ्लेम करते हैं ना तो हल्का सा जल भी जाती है, लेकिन जैसे ही आप स्लो करते हैं तो अपने आप ही लौकी थोड़ा पानी भी छोड़ देती है। इसके ही पानी से ही इसको पकाएंगे, क्योंकि जो मिठास रहती है इसके पानी में वो काफ़ी अच्छी लगती है। और मैं इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रही हूँ। इसी तरह से ही आपको ये बना के तैयार करनी है। आप इसको भर्त भी बोल सकते हैं, मैं तो सब्जी ही बता रही हूँ। ये देखिए इसमें थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिया। नमक मैं उतना ही ऐड करूँगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मैंने इसमें हरा नमक भी ऐड किया था। तो बस इन सभी को अच्छे से मिक्स किया है। आप समझ लीजिए ये बनने ही वाली है, मिनटों में ही ये बन के तैयार हो जाती है। और इसमें लास्ट में हींग डाल रही हूँ, तो हींग आपको लास्ट में ही डालना है, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब सारी प्रोसेस हो गई थी, सिर्फ गरम मसाला रह गया है, तो गरम मसाला भी मैंने 1 बड़ा चम्मच इसमें ऐड किया और ये सब्जी रेडी हो चुकी है। सिर्फ 1 ही मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी और आपको दिखाई दे रहा होगा जब सब्जी इस तरह से तेल छोड़ दे तो ये रेडी हो चुकी है। तो मैं अब गैस की फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और अब आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखा आपने कितना आसान है लौकी की बिल्कुल अलग तरीके की सब्जी बनाना। तो इस तरह से आप बनाइए, निश्चित ही आपको ये काफ़ी पसंद आएगी। और ये सर्व करके दिखा रही हूँ, ये आपको पूड़ी पराठा के साथ तो बहुत ज़्यादा भाएगी। ऐसा नहीं है कि रोटी के साथ अच्छी नहीं लगेगी, रोटी के साथ भी अच्छी लगेगी, लेकिन मेरे घर में तो सभी को पराठे के साथ बहुत ज़्यादा पसंद आई है और पूड़ी के साथ। अगर आपको ये पसंद आती है तो फिर से कहूँगी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कुछ नए तरीके से जरूर ट्राई करें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।